वेब डिज़ाइनिंग और वेब पब्लिशिंग के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है ओएल टैग, यूएल टैग और डीडीडीएल के बारे में कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, एंकर टैग कैसे लगाएंगे उसमें, इमेज के ऊपर एंकर कैसे लगाएंगे। वैसे लास्ट लेक्चर पूरा एंकर टैग का ही था, आज इमेज के ऊपर एंकर है, फिर ओएल है, फिर यूएल है। तो स्टार्ट करते हैं, कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं अपना आईडी जो है ओपन कर लूँगा, आप इसे नोट पैड पर भी कर सकते हैं, मैं नोट पैड प्लस प्लस कर रहा हूँ क्योंकि ओ लेवल ए लेवल दोनों में नोट पैड प्लस प्लस है। यहाँ पे आ जाएंगे तो देखेंगे आप, पहले लास्ट लेक्चर आप देखेंगे, लास्ट वीडियो में तो टीडी और इन टेबल के बारे में बताया गया है। हम आते हैं, नई फाइल लेते हैं, इसको डोंट सेव कर दीजिए और नई फाइल ले लीजिए। फाइल का नाम क्या है? तो फाइल का नाम है डेमो, डेमो वन के नाम से मैंने फाइल बना ली है। फाइल को सेव कर देते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में सेव कर दीजिए फाइल को। एज यूजुअल कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे हमेशा करते हैं। बॉडी, बॉडी के अंदर फिर बॉडी को बंद कर दीजिए, बॉडी बंद एंड HTML बंद। बॉडी को थोड़ा बहुत कलर्ड हम कर देंगे क्योंकि कलरिंग से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। BGCOLOR इक्वल्स टू YELLOWGREEN, ग्रीन एंड टेक्स्ट का कलर टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख दूँगा H1 के अंदर, हेडिंग के अंदर सेंटर लगा के, सेंटर को बंद करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हाय दिस इज दुर्गेश सर, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे सेंटर को बंद, CENTER सेंटर को बंद कर देंगे और H1 को भी हम कर देंगे बंद, सेव कर देंगे। आते हैं डेमो वन नाम की फाइल को हम ओपन करते हैं। डेमो वन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये फाइल हमने ओपन कर रखी है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है बट अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोडिंग में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे और टेक्स्ट येलो ग्रीन पे ब्लू अच्छा नहीं लगेगा। और येलो ग्रीन मैंने किया है तो ब्लू कैसे हो गया है? YELLO ग्रीन, ई बीच में आ गया है, मैं ई को हटाऊं, येलो ग्रीन। और सेव करें, रिफ्रेश करें, यस। अब जाके मेरे हिसाब से ये तैयार हो गया है। अब हम आते हैं कोड में, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है मुझे एंकर लगाना है किसी इमेज के ऊपर। मैं यहाँ पे पहले एंकर लगाऊंगा, AHREF ए कैपिटल में लिख चलते हैं, HREF। HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि इस लैंग्वेज पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी इस लैंग्वेज में आप किसी तरह से लिख सकते हैं, या कैपिटल या स्मॉल, दोनों तरफ से स्मॉल लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है myfile.html, मैं इसको लिंक कर दूँगा। यहाँ पे लिखते हैं myfile.html, ये आपने लिंक कर दिया है, लिंक हमने दे दिया है। अब क्या करना है, इमेज पे लिंक कैसे लगेगा? तो यहाँ पे लिखना है IMGSRC, इमेज का सोर्स, इमेज कहाँ पे अवेलेबल है, इमेज का सोर्स यहाँ पे लिख देना है डबल कोट में। तो इमेज जो है मेरे डेस्कटॉप पे है, और डेस्कटॉप पे इमेज देखते हैं कौन सी है। तो बहुत सारी इमेज हैं जिसमें से मेरी फेवरेट एक लैंग्वेज है, और वो है जावा एंड सी, दो लैंग्वेज हैं जिनमें मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और सी को लगाते हैं बढ़िया से पहले, क्योंकि पहले सी ही है, सी पहले आई थी, हमारे डैनिस रिची साहब ने सी को दिया था हमें। कंट्रोल सी एंड .png फाइल है ये, देख लेंगे नाम क्या इसका। तो नाम था इसका download.png। फाइल को कर देंगे हम सेव और यहाँ पे आ जाएंगे, एंकर को कर देंगे हम बंद। अब ये लग गया हमारे फ़ोटो पे लिंक, फ़ोटो पे लिंक लग गया है, रिफ्रेश करते हैं। फ़ोटो ही नहीं लगा तो लिंक कहाँ से लगेगा? पहले फ़ोटो में क्या दिक्कत आई है? IMGSRC, यहाँ पे देखेंगे तो लिंक दिखा रहा है, फिंगर आ रहा है ना, ये फिंगर, ये क्लिक करेंगे फाइल खुल जाएगी, बैक करेंगे फाइल, ये आ। तो ये है हमें लिंकिंग लगाने का कोड, कैसे हम लिंक लगाते हैं। सबसे पहले हम लिंक लिखते हैं, लिंक लिख दिया हमने, फिर आप इमेज का लोकेशन लिख दो, इमेज लिख दो, उसके बाद से लग जाएगा। एक और कोड है हमारे पास जिसमें हम लिस्ट बनाएंगे ओएल यूएल का इस्तेमाल करके। सबसे पहले हम ओएल का इस्तेमाल करते हैं, ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट होता है और यूएल होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ओएल में तीन चीज़ें आती हैं, पहला आता है आपका नंबर आता है,
तो हम यहाँ पे करते हैं ओएल ओएल और उसका टाइप लिखते हैं ओएल एल आई ओएल का एल आई एल आई खोलिए एल आई में लिखिए एच टी एम एल ओएल एल आई को बंद कर दीजिए लिस्ट को और ऐसे ही कई सारे लिस्ट हम बना लेते हैं कॉपी पेस्ट करके। तो यहाँ पे आ जाएंगे और मैं सिंपल वे में पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये लिस्ट मेरी बन गई है ओएल तीन ही रखते हैं ज़्यादा स्पेस पकड़ के क्या फ़ायदा है। और यहाँ पे ओएल को कर देंगे हम बंद ओएल हो गया हमारा बंद। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं इससे जानना ज़रूरी है बस वीडियो को देख लीजिए क्लियर हो जाएगा। सेव कर देंगे रिफ्रेश करेंगे पहले तो बैक करिए फाइल को यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक लिस्ट बन के आ चुका है एक लिस्ट बन के आ चुका है। अब अगर मुझे जो है यहाँ पे ऑयल के साथ साथ ऑयल के अलग अलग टाइप होते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं तो ये ध्यान देना है। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे ऑयल को अलग अलग टाइप डिफाइन कर दूँगा कॉपी करेंगे यहाँ पे एंड नीचे की लाइन में पेस्ट करिए। ऑयल का बाय डिफ़ॉल्ट टाइप जो होता है कंट्रोल भी अब देखिए मैं कंट्रोल एस आते हैं बाई डिफ़ॉल्ट टाइप कितना होता है 1 2 3 4 होता है। मैं चाहता हूँ ऑयल पे ए बी सी डी आ जाए एक टाइप इक्वल्स टू टी वाई पी ई इक्वल्स टू सिर्फ सिंपल में ए लिख दीजिए। आपने कैपिटल ए लिखा है तो कैपिटल ए से स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने स्मॉल ए लिखा है ना तो वो स्मॉल ए से स्टार्ट हो जाएगा स्मॉल ए से ठीक है। ऐसे ही ऑर्डर में हमारे पास नंबर्स होते हैं यहाँ पे नंबर में आ जाइए नंबर 1 2 3 4 तो था ही आई रोमन रोमन दे देंगे यहाँ पे रोमन में नंबर आ जाएंगे हमारे। तो ये हमारे लिस्ट हैं जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट हैं। लिस्ट में अगर लिंकिंग लगानी हो तो कैसे लगाएंगे तो लिस्ट में हम लिंकिंग लगा देते हैं यहाँ पे। तो एंकर ए एच आर ई एफ एच आर एफ इक्वल्स टू फाइल मेरे पास है एच टी एम एल फाइव टैग्स के नाम से एच टी एम एल फाइव टी ए जी एस डॉट एच टी एम एल के नाम से फाइल मैंने बना ली है यहाँ पे डबल कोट के अंदर आप उसे बंद करेंगे एंड इसको मैं एंकर के अंदर डाल दूंगा एस टी एम एल को यहाँ पे ए लगा देंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एस टी एम एल पर लिंक लग चुका है क्लिक करिए। ये जो कोड है आपको दिखा रहा हूँ मैं ये कोड जो है वो एस टी एम एल फाइव का कोड है। यहाँ पे कुछ एस टी एम एल फाइव के टैग्स हैं जिनमें टैग में डेट है रेंज है टाइम है नेम है ये सारी चीज़ें पहले वीडियो में बताई गई हैं वीडियो देखें ज़रूर। बैक करते हैं हम आ जाते हैं तो ये हमारा हो गया लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं मेंशन कर दूँ यहाँ पर कमेंट में क्या क्या होता है आप देखते रहिएगा ओएल का टाइप क्या क्या होता है। तो ओएल के टाइप होते हैं टी वाई पी कमेंट में कैसे देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे और कमेंट दे दीजिए तो टी वाई पी ई टाइप इक्वल्स टू या वन होता है ठीक है या ए होता है कैपिटल या ए स्मॉल होता है या रोमन आई होता है या कैपिटल आई होता है कैपिटल आई होता है ठीक है। अब हम इसे कर देंगे बंद ये हो गया हमारा ओएल का टाइप। ऐसे ही हमारे पास ओएल के बाद से अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है उसका टाइप होता है। हमारे पास यूएल का टाइप है हम यूएल के टाइप को लगाएंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा साइज छोटी कर रहा हूँ यहाँ पे आ जाइए यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल यूएल लगा देंगे और यू एल के में लिखेंगे एल आई यू एल में एल आई एल आई में है फिर हमारा एस टी एम एल एस टी एम एल एस टी एम लिखते हैं मैंने एस टी एम एल और यहाँ पे एल आई में आप लिखिए एल आई को करिए बंद ठीक है। और यहाँ पे इस बार हम लिखने वाले हैं एल आई में सी एस एस सी एस एस ठीक है एल आई को करेंगे बंद यहाँ पे करेंगे जे एस जावा स्क्रिप्टिंग जे एस और फिर हम करेंगे एल आई को बंद जे एस और हम कर देंगे एल आई को बंद यहाँ पे एक जरूर कोई छोटी सी प्रॉब्लम आई है फॉन्ट चेंज हो गया है खैर मैं थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ यस कंट्रोल डी यहाँ पे आ गया है और उसको जे एस हम कर देंगे जावास्क्रिप्ट जे एस और यहाँ पे आके आप बंद कर दीजिए किसको तो यू एल को बंद कर दीजिए तो हम आ जाएंगे और करेंगे यू एल को बंद अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम कर देंगे यहाँ पे बंद स्लैश यू एल स्लैश यू एल आगे बढ़िए डिलीट करिए इन कंटेंट्स को ठीक है। एंड देखिए ये
मुझे सबसे अच्छा लगता है नोटपैड, इसलिए अच्छा लगता है ये सब जो नाटक होता है ना यहाँ पे, ये नहीं होता है नोटपैड में। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ऑटोमेटिक चेंज हो जाना है। ठीक है, ये अनऑर्डर लिस्ट है, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक बुलेट मिलेगा। यहाँ पे देखिए बुलेट मिल गया, ये बुलेट है। अब इस बुलेट का टाइप होता है, बुलेट का टाइप होता है डिस्क स्क्वायर सर्कल, TYP टाइप इक्वल्स टू डिस्क, ये डिस्क था ही, SQUAR स्क्वायर, मैंने स्क्वायर लगाया है। रिफ्रेश करेंगे तो ये स्क्वायर में दिखाई दे रहा है आपको, ये स्क्वायर में दिख रहा है आपको। यहाँ पे आ जाएंगे सर्कल, सर्कल कर देंगे तो CIRCLA सर्कल कर दीजिए और रिफ्रेश करिए, ये सर्कल बन जाता है। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास इसके भी टाइप हैं, टाइप मैंने यहाँ पे कॉपी पे लिखा हुआ है, उसको मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। आपको अगर नोट्स बनाना हो तो नोट्स बनाते रहिए साथ में, कॉपी और यहाँ आ जाइए एंड पेस्ट। टाइप क्या है, टाइप है डिस्क स्क्वायर और सर्कल, सर्कल ये है हमारे UL के टाइप। अगला हमारा जो टाइप है वो है डिफिनेशन लिस्ट, DD वगैरह का हम इस्तेमाल करेंगे, डिफाइन करेंगे कैसे हम डिफिनेशन लिस्ट को बनाते हैं। तो डिफिनेशन लिस्ट जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें आप परिभाषा के थ्रू लिख सकते हैं, यानी कि आप जो है परिभाषित कर सकते हैं कंटेंट को। कैसे करना है, जो उसमें अगर DL DT और DD आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं एंड मैं थोड़ा सा इसे ऊपर ही चल के लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, लिखिए यहाँ पे DL ये फॉन्ट साइज कुछ चेंज हुआ है लग रहा है, लेकिन मैं इसे बड़ा करूँगा DL। ठीक है, यह है हमारा डिफिनेशन लिस्ट, DL खुला है। अब DL के अंदर आपको देना है किसकी परिभाषा लिखनी है आपको, तो HTML की, आपको HTML की परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पे DL के अंदर हम देंगे ना DT, तो DT दे देंगे DT, और यहाँ पे लिख देंगे HTML, मुझे HTML के बारे में लिखना है DT। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसमें अब इसका डिफिनीशन देंगे। तो डिफिनीशन देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं DD, DD का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर डिफिनीशन में जो भी लिख देना है, तो HYPE हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ पे बंद कर दीजिए DD को, और आप चलिए कंटेंट में चलते हैं, मैं पेज में यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखेंगे HTML मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे है। ऐसे ही आप जो है DT और DD को कॉपी करते चले, और मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ, एक और बन गया। यहाँ पे आ जाए CSS, CSS का लिख दें, CSS उसकी परिभाषा, CSS यहाँ आ जाए CSS। ठीक है, फिर उसके बाद से आ जाए JavaScript JS, JS सेव करें, रिफ्रेश करें, यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे HTML CSS JavaScript, तीनों का तीनों जो है कोड यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे आप बनाएं लिस्ट को और इम्प्लीमेंट करें और अपने एग्जाम में से ट्राई करें। बन रहे मेरे साथ, मैं दुर्गेश सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।